तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस चेकिंग करती हुई जरूर नज़र आ रही है। और आपको ये बता दें कि सुबह से ही पुलिस इसी प्रकार से चेकिंग करती हुई जरूर नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये लोग कश्मीर से आए हैं और पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा। बिलाल अहमद लोन, पिताजी का नाम क्या है? गुलाम अहमद लोन। सरपंच भी हैं हम। आप गांव के सरपंच? भाई है। क्या गांव? गांव का नाम क्या है? दरधारा। दरधाराई। आपके ब्रदर सरपंच है वहाँ पे? जी। थाना कौन सा लगता है? करालपुरा। अच्छा, यहाँ कितने दिन से आए हुए हो? दो तीन दिन। दो तीन दिन से यहाँ? मालिक दिल्ली था, वो आज आ गया। अच्छा, तो किसका क्या बेचते हो आप यहाँ पे? जो कारपेट शॉल नहीं सर, पश्मीना। हाँ, वो बेचते हैं। अच्छा, और साथी के चार है सर? चार वो गए हुए हैं कारपेट लेने गए हुए चंडीगढ़, आ रहे हैं वो भी। चंडीगढ़ या दिल्ली? नहीं, चंडीगढ़। होटल का मालिक वो उसको पता नहीं होगा उसको। तो यहाँ जो आप पश्मीना के शॉल बेचते हो, कहाँ बेचते हो फिर? यहाँ हम करनाल, चंडीगढ़, पटियाला, जालंधर सर। माल कहाँ से लेते हो? माल तो कश्मीर से लाते। कश्मीर से। आज फिर वो चंडीगढ़ किस लिए गए हुए हैं? माल देने के लिए। माल देने के लिए चंडीगढ़? शादी है, इतनी उन्होंने बुलाया था। हाँ, वही देने। अच्छा, और घर में कौन कौन है? घर में सर भाई है, भाभी है। हाँ। सब बच्चे हैं। तुम शादी शुदा हो? शादी। कितने बच्चे हैं? मेरी तो भी ताज़ा शादी हुई है। मैं तो यहाँ करीब करीब 90% लोगों को जानता हूँ। इतना था नहीं आता। अच्छा, कितने साल से आ रहे हो लगातार? मैं आ रहा था सर 96 से। 96 से यहाँ आ रहे हो? शॉल ही बेचने के लिए? हाँ, शॉल और कारपेट। कारपेट और शॉल बेचने के लिए। घूम के बेचते हो या किसी एक दुकानदार? नहीं, हमारे परमानेंट कस्टमर है सर। जैसे अपने लिबर्टी वाले हो गए, यहाँ चार पांच कस्टमर है। ओपीएस वाले हैं। हाँ। ये मान वगैरह, सुरेंद्र जानकी, वो तेजी मान। हाँ। दिलीप मान। हाँ। ऐसे से 8-10 घर ऐसे। इनको सबको जानते हो? सब वो जानते हैं आपको? हाँ, सभी लोग जानते हैं सर। अच्छा, एक का नाम है नज़ीर अहमद सर, वो बड़ा भाई है मेरा। बड़ा भाई? खुद का सगा भाई? सगा भाई। एक भतीजा है सर। भतीजा? सगा भाई। और तीसरा ड्राइवर है सर। ड्राइवर आप लोगों का? वही पड़ोस में ही रहते हैं। किससे ली थी वो? क्या बोलती है, कर्म विहार? हाँ, कर्म विहार। अच्छा, वहाँ से? अपने नाम करवा ली गाड़ी को? अपना NOC बना, वो कोर्ट में चल रहा है ना सर। वहाँ वो जो बोल रहे कि टैक्स भरोगे इधर की गाड़ी का? हाँ, वहाँ कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, वहाँ कोर्ट में चल रहा है। तो जो गाड़ी को यूज़ करते हो, यहाँ हरियाणा, हरियाणा में यूज़ करते हो, वहाँ जो J&K में भी यूज़ करते हो? नहीं, वहाँ भी करते हैं सर। गाड़ी से आते जाते हो? जी, गाड़ी तो गाड़ी दो है सर अपने पास। दो गाड़ियाँ? एक बिटारा है ब्रीज़ा, घर में पुलिस को यहाँ। गाड़ी का नंबर क्या है? HR 41B 5353। किसी जैसे मतलब अभी पिछले 15 दिन पहले ये पालीवाल का फोन आया पानीपत से, तो उस दिन भी आए थे। पालीवाल की तो अपनी खुद की फैक्ट्री है शोल, उसकी वो नहीं मिलता सर। कारपेट वो तो मशीन मेड हो गए। हाँ, ये हैंडमेड डालते हैं ना घर में। अच्छा, हैंडमेड कारपेट लेते हैं? हाँ। वो तो खुद ही कारपेट बनाते हैं पहले। ये उनका एक्सपोर्ट है सर, तो घर में हैंडमेड डालते हैं। अच्छा, सर वो फोन कर दिया किसी ने? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता, DGP पंजाब से। जो उनको कैसे जानते हो? वही कारपेट, वहाँ तो सारे पुलिस अफसर के घर जाते हैं। करनाल में भी किसी पुलिस ऑफिसर को देते हो? ना, करनाल में कोई
करनाल में ऐसी जान पहचान है थोड़ी तो पुलिस अफसर के साथ, लेकिन कारपेट वगैरह नहीं थे। एक सीआईए में नहीं थे वीरेंद्र राणा, अच्छा रिटायर हो गए, अच्छा उसको भी जानते। एक वो एसआई थे पहले, पता नहीं अभी इंस्पेक्टर बन गए, निवेद साहब। आपका यहाँ पे कोई लोकल जो बंदा है वेरिफिकेशन करा सकता है आपकी? हाँ सारे करा सकते हैं जो जो जानते हैं, जो मौजीज करनाल का बंदा हो जानता है वो? हाँ सारे जानते हैं। कब आप कितने दिन रुकोगे यहाँ पे? सर ये कस्टमर के ऊपर है, जब पेमेंट दे देंगे तो। अभी जैसे उन्होंने माल दिया पेमेंट नहीं दिया उन्होंने। कहाँ माल दिया आपने यहाँ पे? अभी तो दिया है लाडू नहीं है ये। हाँ। जिसकी ये नहीं थी ये मार्केट, ग्लोब मार्केट, ग्लोब टेटा इसका मालिक है वो, जो जे सी पी एल का मालिक है उसको उसको माल दिया। फिर उसने पेमेंट क्यों नहीं दी? बोला दो दिन रुक जाओ। क्या अच्छा दो दिन रुक जाओ। जाना मुझे भी था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो मैं भी नहीं। ये इनको चेक किया गया है, और चार लोग रहते हैं, दो सगे भाई हैं, एक इनका ड्राइवर है और एक इनका इसका भतीजा है, और इनकी आईडी चेक करी है। और जिस पहले रेंट पे रहते थे यहाँ पे रावर रोड पे, मकान मालिक से भी बात करी, वो 20 साल से इनको जानता है, और 96 से यहाँ पे आ रहा है, और पश्मीना शॉल का ये काम करते हैं, जैसे मेट वगैरह का एंड मेट होते हैं जो एंड बेड उनका काम करते हैं, और यहाँ के मौजूद व्यक्तियों को भी जानते हैं लोगों को, और ये ठीक पाए गए हैं। वेरिफिकेशन सर? हाँ वेरिफिकेशन भी कर ली गई है, और वहाँ गांव में इनका इनकी भाभी सरपंच बनी हुई है जहाँ के रहने वाले। तो यहाँ किस विषय में आए हुए हैं? ये यहाँ शॉल बेचते हैं, शॉल और ये कारपेट बेचते हैं, हैंडमेड जो होते हैं वो बेचते हैं। कितने समय से काम कर रहे हैं? और ये लगभग 20-25 साल से काम कर रहे हैं।